क्यों आनंद, थैंक ठीक है यू कोई एफसी। और ये सैम को भी दे देना प्लीज, अब उसको भी बात करनी थोड़ी सी। बात नहीं। अभी मतलब मुझे इतने सारे रिक्वेस्ट देख रहे हैं, अभी एक बार शिव भाई आ जाए फिर मैं करता हूँ स्पीकर पे। बहुत थैंक यू। सारे रिक्वेस्ट दिख रहे हैं। चलो आनंद स्टार्ट करें। हाँ हाँ ठीक है। चलो नमस्ते, राम राम, मैं हूँ आपका शिव ठाकरे, और ये सब चीजें नहीं है मेरे लिए, तो थोड़े पोपट हो जाएंगे मेरे अभी, जो पहले भी हुआ था, कुछ समझ स्पेस वेस कुछ समझ में नहीं आता है, ट्विटर विटर पप्पा मोरिया। और यार ये मैंने सुना है कि बिग बॉस पूरा ट्विटर पे ही चलता है, ये पूरी जो पूरा बाहर का जो बिग बॉस है वो ट्विटर पे चलता था, और यहाँ के लोग है यही लोग बनाते हैं बिग बॉस वाले बंदों को, तो इसमें से ये जो सब लोग जुड़ रहे इनका भी उतना ही हाथ है शिव ठाकरे को बनाने में, तो दिल से शुक्रिया। और बहुत दिनों से बोल रहे थे कि वो स्पेस पे आओ स्पेस पे आओ, एग्जैक्ट स्पेस पे कहा, आसमान के ऊपर है ये इधर, तो हाँ अभी मुझे समझ गया, पर दिल से शुक्रिया यार सभी को, और लव यू ऑल। बहुत मजा आता है मुझे ये सब देख के, जो आप लोगों ने इतना ज्यादा ट्रेन वेंट चलता है ना, और रोज चलता है यार, इसकी इतनी मतलब टाइम निकाल के जो आप मुझे सपोर्ट करते हो उसके लिए लव यू ऑल। और अब गणपति बाप्पा आप सबके सपने पूरे करें यार, लव यू। और आनंद बात करते अभी, जो जो कर सकते थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है? वी लव यू टू शिव, आई वाज सो एक्साइटेड टू टॉक विद यू, थैंक आई एम नीडिंग फ्रॉम यू यूएसए, सो आई एम नीडिंग फ्रॉम यूएसए, मच। और ट्रस्ट मी आपसे बात करके बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं हो रहा, जी क्योंकि आप हमें अपने जैसे ही बिल्कुल, लगते हो, वही वही लगना चाहिए, और आप और भी आप मेरे सब अपने हो। और मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ ना कि आप लोगों ने अगर शिव ठाकरे को बनाया तो ये शिव ठाकरे ऑलवेज आपके साथ रहेगा, और कभी आपको हर्ट नहीं करेगा कि कोई चीज नहीं करेगा कि जिस शिव ठाकरे को आप सपोर्ट किए थे उसने आपको हर्ट किया, ऐसी कोई चीज शिव ठाकरे नहीं करेगा, ये मेरे तरफ से प्रॉमिस है। और जितनी मेहनत आप लोगों ने की ना यार, उसको सलाम यार, सलाम सच्ची में। थैंक यू। और पता क्या है, आपकी छोटी छोटी बातें, जो आपका पब्लिक जी इंटरेक्शन है, या जो भी आप सबको जैसे जैसे ट्रीट जी करते हो, इट टच अवर हार्ट, जी किसी को भी आप नाराज नहीं करते हो, जैसे मेरा फ्रेंड सैम है, आपने उसके लिए टी शर्ट चेंज कर दी, जी आई वॉज लिटरली क्राइंग कि कोई इतना अच्छा कैसे हो नहीं सकता नहीं वो मतलब यार आप लोगों का नहीं है। सुनूंगा तो किनका सुनूंगा मैं, मतलब आप, मैं प्यार करता हूँ आप लोगों से यार। आई नो एंड वी लव यू यार टू शिव, एंड प्लीज मेरी एक बार मेरा नाम ले दो अच्छे अच्छे से, नीरू, एंड नहीं, एक मेरी फ्रेंड है नहीं नैन्सी, ऐसे सब नीरू ऐसे नीरू, नाम लेने मत हाँ हाँ बोलो, फिर क्या होगा, नहीं किस्सा प्लीज बोलेंगे लेने तेरा नाम देना, लेने। मुझे चांस ही अरे नहीं है नीरू सुनो आनंद, सुनो सुनो, प्लीज। नीरू को नाराज, नीरू लव यू हाँ और थैंक यू सो मच, आपने हाँ आपने थैंक यू, जितना प्यार दिया जितना सपोर्ट किया, और गणपति पापा ब्लेस यू। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू और एक एक छोटा सा, एक छोटा नैन्सी बोल दो प्लीज, नैन्सी। नैन्सी। हाय नैन्सी, हेलो, की हाल है, कशिया हाथ, नमस्ते, राम राम, टेक केयर, ठीक है, ओके डियर, थैंक बाय यू बाय बाय थैंक यू थैंक यू, बाय, लव यू, लव यू बाय। लव यू, बाय। आई थिंक अभी का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, चलो किसी आप और को स्टार्ट कोच दे दो। आप स्टार्ट कर दो, फिर देखते हाँ हैं। हाँ स्टार्ट कर। हाँ, शिव स्टेन या किंग शिव को कोच दे दो, शिव स्टेन को कोच, शिव स्टेन जो है ना उसको कोच रिक्वेस्ट भेज दो। इसको कैसे करने का, सही। हाँ चलो हो गया, आनंद आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, और किसी को इतने सारे रिक्वेस्ट हैं, बहुत गाइस बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं, मुझे गाली मत देना, इसको नहीं मिला उसको नहीं मिला। नहीं, हम ट्राई करते, हम ट्राई हाँ करते, जन, मैक्स जितना हो सकते सबके साथ थोड़ा थोड़ा हाय बाय करते, जितना नहीं हुआ ना, फिर से कुछ दिनों के बाद जैसा वक्त मिलेगा फिर से हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है हाँ हाँ कोई जी। बात नहीं। शिव जीसीज में भी, और एक कट्टर शिव सोलो जीसी है, उसमें भी आपको सब इतना प्यार दे रहे हैं, बोल रहे हैं शिव को बोलो आई लव यू, वी लव यू, वी जस्ट हैव नो वर्ड, हाउ डू वी एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, इतना लोग आपको वहां पे लिख रहे हैं और प्यार दे रहे हैं ना। नहीं सभी लव यू टू, लव यू सभी को बहुत सारा प्यार, और ये मुझे सच्ची में ये गणपति बापा का ब्लेसिंग है मेरे साथ कि आप इतना प्यार करते हो, और सच्ची में लव यू यार सभी को। आनंद भाई नीचे फ्लाइंग है, फ्लाइंग को माइक दे दीजिएगा, और देखिए एक एक करके ना 10 सेकंड के लिए, हाँ सबको हाँ दस दस सेकंड के एक लिए। बार मैं देखता हूँ, क्यों इतने सारे रिक्वेस्ट है ना, मेरा भी ग्लिच हो रहा है तो मैं एक एक करके दे रहा हूँ शो दादा, मैं विशाल बोल जी रहा विशाल, हूँ, शिव स्थान गया जी कौन सा, विशाल ठीक बोलो है। ना, मुझे ये बोलना है कि यहाँ पे सब लोग आपसे बहुत जी प्यार जी करते हैं, बिल्कुल,
ट्विटर वाले जितने भी लोग सब दिल से बहुत मतलब आपको सपोर्ट किया, सब प्यार करते हैं, मतलब सबने बहुत मेहनत की। देख के मुझे पता चल रहा था कि आई शपथ, मुझे अंदर आपको पता है ना, अंदर मुझे मतलब बाहर दिखाया नहीं दिखाया पता नहीं, मुझे शेखर सुमन ने बताया था कि इंडिया के नंबर 2 पे ऑफ ट्रेंड चल रहा है, तब मुझे था कि नहीं शिट कुछ तो बाहर चल रहा है, मतलब यहाँ पे मेहनत करने में और मजा आएगा। तो वो एक चीज ही मुझे पहले मिली थी और डायरेक्टली मिली थी जो पब्लिक आई थी बाहर से, अपनी फैमिली आई थी, तब ऐसे दो जगह मुझे जस्ट वो थोड़ी सी चीज मिली थी जिससे मुझे और हार्डवर्क करने में या फिर और दिल से खेलने में ज्यादा मजा आया था। तो वो ट्रेंड जो किया था वो सब आपकी चीजें थी यार, और आप ही ने मेहनत करके किया था, तो उसके लिए सो सॉरी कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ, पर अभी भी ना मैं भाग दौड़ और मैंने प्लान किया था अभी 9:30-10 बजे कहीं पहुंचना है, बट मैं स्टार्ट करता हूँ और ट्रैवल करते करते हम बातें करेंगे, मस्त मजे करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा समझ लेना नेटवर्क इधर उधर हुआ तो, ठीक है? हाय शिव। हाँ गौरी बोल ना, कैसी है, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, बट आवाज को क्या हो गया? घसा बसला है, आवाज बैठ गई, वो ट्रैवल कर रहा है। ठंडा खा? नहीं कुछ नहीं यार, पीता भी नहीं हूँ मैं तो भी बैठ गया। अरे हिंदी में सबको समझ में नहीं आएगा। अरे कुछ, हाँ ठीक है कुछ नहीं, बस मेरे को तो सिर्फ फायदा ही करना था। जी चलो, टेक केयर गौरी, बाय। यस गुंजन बोलो। हाय शिव, कैसे हो आप? मैं मस्त, हैप्पी, आप कैसे हो? बहुत अच्छे, आपका बहुत मतलब आपसे बात करने के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे थे हम। आता मला हिंदी तुन बोलायला जमत नाही आहे, पण थोडा हिंदी थोडा मराठी सगळ्यांसाठी बोलावं लागणार, सभी को भी समझ में आए, ऐसा ना हो कोई नाराज ना हो, है ना? तो आपने जो ये सब लोग कमाए ना, छोटों से लेकर मतलब हर एक एज ग्रुप के लोग आपसे प्यार करते हैं। मेरे घर का ही एग्जाम्पल है, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, आपको बीबी मराठी से वो देख रही है और आपका एक भी एपिसोड उन्होंने मिस नहीं किया है। बस उन्हीं के लिए मैं आज ये स्पेस में माइक लिया आपके लिए, नहीं तो मुझे वो था कि मैं आपसे पर्सनली मिलूंगी, कभी तो मिलूंगी, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो बस मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और मम्मी का यही एक मैसेज है कि ये जो आपको प्यार मिल रहा है, म्हणजे हे सगळं जे प्रेम तुला मिळत आहे ते त्याने तू भारावून नको जाऊ, तुला अजून भरपूर काय पुढे करायचंय, तर तिची खात्री आहे की तू नक्की मोठं कर। वो मोटिवेट करने को खुद को ले लूंगा पक्का, और बहुत मेहनत करूंगा ब्रो। हाँ। वो टेंशन मत लो, सिर्फ आंटी को बोलो मेरा प्रणाम करके और बहुत सारे ब्लेसिंग दो। पैसों का टेंशन है नहीं, पैसों का लालच नहीं है, ब्लेसिंग का लालच है मुझे, तो बस ब्लेसिंग देने के लिए बोलो। We are all proud of you. Thank you. मेरी सुजुका आई नहीं, वो भी आती है आज। अच्छा, पूरे पूरे कैरेक्टर है इसमें, क्या बात। मैं कह रहा था भैया कि मतलब मेरे को मतलब क्या ही बोलूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मैं कह रहा था मैं अपने फैमिली का मतलब एक ही हूं पापा का, तो मतलब आपको देखता हूं ना, मतलब ऐसा लगता है मेरा भी ऐसा बड़ा भैया होता ना, कितना अच्छा लगता है। अरे भाई अभी है यार तुम्हारा, अपन सच में यार मैं चाहता हूं, मतलब मैं मतलब सबसे छोटा हूं, मतलब मैं 16 साल का हूं, 9th में हूं अभी, तो मैं आपको दिल से सपोर्ट करता हूं बहुत ज्यादा। लव यू, और मुझे बताओ कि अभी जो चीज मुझे मिल रही है उसमें आपका उतना ही हाथ है। 16 साल का जो बंदा है उसने एक शिव ठाकरे बनाने के लिए वो जो वोट किया ना, वो उतना ही जरूरी था जितना बाकी उसकी मेहनत थी। तो भाई 16 साल के बंदे ना अभी हिस्ट्री क्रिएट कर रहे, इतना ध्यान में रखो नोबिता, और आप भी हिस्ट्री क्रिएट करोगे, आप मेहनत करो, आपके भी सपने पूरे होंगे बहुत जल्द। बस आपने इतना बोल दिया मतलब हो जाएगा कसम से, मेरा बर्थडे भी आज मुझे विश कर दो, हैप्पी बर्थडे। क्या बात यार, हैप्पी बर्थडे ब्रदर, और सब सब विश कर देना इसको, भाई को सब कर दो यार। और आज दिन हैप्पी बर्थडे नोबिता, हैप्पी बर्थडे नोबिता, थैंक यू सब के अंदर बहुत आनंद भी साथ मुझे गुंजन, आनंद भी साथ में हटाओ ना, जो लोग बात नहीं कर रहे अभी गुंजन नोबिता, मैं आप लोगों को नीचे कर रहा हूं, पार्टी का बता, अमरावती आऊंगा ना, अमरावती आऊंगा ना, फुल पार्टी, ठीक है ब्रदर, चलो एंजॉय करो आपका डे है, चलो थैंक यू थोड़ा माइक रिक्वेस्ट करना। बाबा का बर्थडे कैसे गया आपने? बाबा का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट यार, मैं सच्ची बोलूं, मैंने कुछ मेरे दोस्त जो थे बच्चे थे जो क्लास डांस क्लास के, उनको भेजा घर पे,
और पापा को बहुत वो केक वेक मतलब वो सेलिब्रेशन बहुत पसंद है। जब आई का होता है ना तो उनको थोड़ी सी जलन होती है कि हर बार क्या आई का होता है, टीवी पे भी आई को लेके जाएगा, बर्थडे भी आई का करेगा। तो मेरा ये होता है कि पापा का बर्थडे है ना वो हमेशा धूमधाम से करूँ, हर बार मैं घर पे नहीं रहता हूँ। तो अभी मैंने दोस्तों को भेज के केक और वो सब चीज मैंने बोला शॉपिंग करने, और पापा को शॉपिंग का जैसे मुझे है ना कीड़ा, वो कीड़ा भी है शॉपिंग उन्हें पसंद होता है। तो आई को कुछ नहीं है, तो पापा का होता है कि हर बार जो आई को चाहिए ना वो देता है, तो मेरा क्या है। तो अभी उनको शॉपिंग के लिए भी मैं के दोस्तों को बोला कि लेके जाओ और शॉपिंग भी कराओ, तो मैं खुश होंगे। अभी अभी आफ्टरनून में तो कॉल किया था, अभी एक कॉल करूंगा, बट खुश हैप्पी है। आज हम लोग ना ट्रेंड कर रहे थे तो नीरू जी हमने ऑलरेडी बात कर लिया ना, तो मैं आपको थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। नीरू, गुंजन और नविता, मैं नीचे कर रहा हूँ। आनंद कर दो, कर दो। आनंद एक बार, आनंद बैटमैन की रिक्वेस्ट देखो, बैटमैन भी आया शायद। बैटमैन का मुझे नहीं दिख रहा है। बाय बड़े भैया, डीएम में भेज। हेलो शिव, हाय, दिस इज ब्रीजी, कैसे हो आप? मस्त मस्त, हैप्पी। आप कैसे हो डीएम? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपको, मैं कोलकाता से हूँ, आपको नहीं पता कोलकाता में ना सब आपके फैंस हैं, सब सब सबको सब। प्यार देना यार सबको एकदम। और किसी को बिलीव नहीं होगा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं बस एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ, आपको पता हूँ मैंने बिग बॉस आज तक कभी भी नहीं देखा था, दिस इज माय फर्स्ट बिग बॉस, बस आपके लिए मैंने देखना चालू किया। सब BB14 और ये सब बोलते हैं, मैंने कुछ भी नहीं देखा, बस आपके लिए। और आपको फुल लाइफ हम लोग फॉलो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सच्ची में 13 भी देखो, आपको सिद्धार्थ भाई और शहनाज वाला भी पसंद आएगा, सच्ची बोल रहा हूँ मुझे। अच्छा ठीक है, और थैंक यू आपके सब जितने लोग प्यार करते हैं उनको बताओ कि मैंने बहुत सारा प्यार और थैंक यू बोला है। और कोलकाता का रसगुल्ला भी मैं खाने आ जाऊंगा कभी ना कभी, ठीक है? एकदम, आप आओगे तो हम लोग प्लान करेंगे। आप पहले से बोलना, हम लोग आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। बोलो गणेश, डेस्टिनी के बाद ना शिवेक्स फेरी को देना है बात करने के लिए। हेलो गणेश, गणेश बोलो, बोलो। आवाज आ रहा है, बोलो। अरे 14 तारखेला मी नागपूर आलो होतो, पण थोडं मला लवकर जायचं होतं, माझा बर्थडे होता त्या दिवशी, तर ते थोडा इश्यू झाला अभि सोबत, मी अभि केसत नाही आया तर नागपूर येतो ना सबको सब फॅमिली को मतलब समझे काय। हां अरे 14 को आप आए थे ना नागपूर, मेरा बर्थडे था उस दिन, मैं आया भी था एयरपोर्ट, लेकिन कुछ काम की वजह से मुझे निकल जाना पड़ा था 7 बजे। टेंशन नहीं ना, नेक्स्ट टाइम कभी भी आएंगे तब मिलेंगे, है ना? अभी अरे मैं यवतमाल से ही हूँ, कोई प्रॉब्लम ब्रदर, पास में ही हमरा, जरूर मिलेंगे कभी ना कभी, है ना? हां ब्रदर, ठीक है, थैंक यू सो मच। चल गणपति पप्पा मोरिया, लव यू, बाय। चल बाय, थैंक यू। डेस्टिनी बात कर लो ना। ठीक है, मैं गणेश, मैं आपको नीचे कर रहा हूं। चालेल, हो गया मेरी बात, ठीक है जी। जो बात कर रहे हैं एक बार लेफ्ट हो जाओ, क्योंकि और भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं ना, सबको बात करना है। थोड़ा कम टाइम लो ना सभी लोग। हाँ बोलो 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 बोलो। हाय शिव, दिस इज डेस्टिनी दिस साइड, बोलिए ना, कैसे हैं आप? मस्त यार, आप लोगों का प्यार देख के तो मैं तो अभी फुल हैप्पी हूँ, मतलब सब हेल्दी वाली चीज चल रही है अभी वो प्यार की वजह से, और हम आपका प्यार देखिए हम डबल हैप्पी है शिव। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए शिव की स्क्वाड और शिव की सेना को। इट्स लाइक आपने हमेशा हमें फैमिली की तरह यार, आप फैमिली हो, थैंक यू सो मच। आप नहीं रहते ना तो यार मैं नहीं बनता जो अभी हूँ ना, मैं वो जो चीजें मैं जी रहा हूँ अभी भी, लोग प्यार कर रहे हैं, जो भी चीजें हो रही वो आप लोगों की वजह से, और कभी नहीं भूलूंगा, आप फैमिली और ऑलवेज रहोगे। थैंक यू शिव ये बोलने के लिए। शिव हमारे दो तीन कंसर्न है, एक तो प्लीज बहुत प्यार करिए, और अगर डीएम एक्सेप्ट कर सकते हो तो जिसका भी आप अगर डीएम एक्सेप्ट कर सकते हो प्लीज करिए। और शिव मेन आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है हम ये बोलना चाहते हैं, प्लीज आप उसको पहले मत बोलेगा, इट्स लाइक इवन लाइक ऑफ। हम चाहते हैं कि जब आपका आने लगे तभी होए, ताकि इवन लाइक ऑफ। यार ये चीज ना दिल से बोलो, मैंने आज ही सोची, और कुछ चीजें ना जो हाथ में आने वाली थी ना वो पता नहीं कुछ फिर से वो चीजें थोड़ी गड़बड़ हुई, तो मुझे किसी ने बताया था, बट आपने बताया, थैंक यू सो मच, मैं ध्यान रखूंगा। कभी भी होता है ना अपन ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और सब चीज बहुत बता देते। हाँ जी शिव, प्लीज जी, मत बोलिए, जब आपका प्रोजेक्ट आ जाए ऑफिशियली लॉन्च होने लग जाए उसके एक दो दिन पहले ही डिक्लेयर करिएगा,
प्लीज शेवा मत बोलिएगा, प्लीज अच्छी से रेस्ट करिए. इट्स लाइक वी कैन सी दैट आप रेस्ट नहीं कर रहे, आप कंटिन्यूस आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं. तो इट्स सो हार्ट वेलमिंग शेव. और प्लीज अगर आप जैसे आपके स्टोरी पे अगर कोई भी लाइक वगैरह तो प्लीज उसका रिप्लाई देख के रिप्लाई कर दीजिए, तो हम फैन गर्ल्स को भी बहुत 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 अच्छा लगेगा. और यार मुझे तो अच्छा लगता है, बट मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीज करूं. ठीक है शिव भाई, एक क्वेश्चन है शिव भाई, एक क्वेश्चन है आपके लिए. ये ट्विटर क्वेश्चन है, एक सेकंड. इट्स RW8 की तरफ से, वो उन्होंने पूछा है कि आपको ट्विटर में कैसा लग रहा है पहली बार स्पेस बना के, इंस्टा में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा था या ट्विटर पे ज्यादा अच्छा लग रहा है? ट्विटर वाली दुनिया कुछ अलग है, और यहाँ पे पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है जो मेरे लिए हुआ है. इतनी बड़ी फैमिली बनी है, और ये सब मुझे सिर्फ पता था कि ट्रेंड हुए हैं अंदर भी, बाहर आने के बाद पता नहीं कि बोले कि ट्विटर पे इतनी बड़ी फैमिली बनी है. तो ये सब चीज़ें अभी मैं देख रहा हूँ ना, ये पहली बार कर रहा हूँ मैं जो बातें, स्पेस लेना पड़ता है और सब कुछ चीज़ें होती है. बट अभी अभी यार जितने लोग जुड़े मैं सबसे ट्राई करूँगा, अभी नहीं तो 2-3 दिन के बाद, 8 दिन के बाद जैसे होता है मैं प्रॉमिस करता हूँ ट्राई करूंगा, एक भी ना छूटे अपने में से. बहुत सारे लोग कोल्हापुर से बात कर दो ना. अरे जो पहले स्पीकर पे उनका खत्म करते हैं वो शेकू करके कब से है, तो उनसे उनको आप बात कर ना, सूरदान मिलनी करके है क्या, उसको आपसे बात करनी है, लेकिन उसको वो डर रही है. मतलब शेफू अपने हाथ ऊपर किया, बात कर लो ना. ओके हाय शेफू, बोलो बोलो. कुछ नहीं, बस ये बोलना था कि थैंक यू, आप स्टोरीज अपलोड करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, आपने रिसेंटली स्टार्ट किया, अपडेट करते हो हमें, आई नो. सो और आपके लिए गुड न्यूज भी है सभी के लिए, बट मैं शायद वो अभी मुझे बोला ना कि पूरी चीजें जब तक पूरी होती नहीं बताओ मत, तो 2 दिन में वो भी एक चीज मैं दूंगा सरप्राइज आप लोगों को. जरूर जरूर, हम वेट करके रहेंगे. इसके अलावा टेक केयर, आपने बोला ना कि यू हैव नॉट स्लेप्ट प्रॉपर्ली सिंस अभी, पर वो का यार ये चीजें नहीं, दिन होते हैं ना कि यहाँ पे नींद भी ठीक है, वो अच्छी बॉडी के लिए जरूरी है, बट अगर यही टाइम में मिस कर लूंगा ना आप लोगों का प्यार, फिर क्या मजा है. बचपन से तो सोया था ना तो टेंशन नहीं, अब टेंशन मतलब मैं हेल्दी हो रहा हूँ, कोई कुछ नहीं होगा अभी. सिफ्टन फ्लाइंग ईगल का रिक्वेस्ट दिख रहा है क्या? शिवेक्स मेरी बात कर लो. नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा. Can I go? Hello. Anand bhai mic dekh ke de. Shivak sir bol do. Hi Shiv, Akanksha here. Kaisa hai? Mast majid majid. I hope to proper rest ghetoy. Hindi madhe bolte aata ani mere liye I think वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों का प्यार कितना कमाते हो. आई थिंक शिव तू जिंगला है, तो आप एवढंच बोलायचं होतं की असाच अपडेटेड ठेवत जा आम्हाला तुझ्या स्टोरीज. तू मी तुमच्यासाठी गिफ्ट पण रेडी केलंय जे 2-3 दिवसांनी मिळेल तुम्हाला. नक्कीच नक्कीच, आम्हाला आवडेल बघायला, आणि आम्ही वेट करत असतो की आज काय अपडेट देणार आहे शिफ्ट. आकांक्षा हिंदी हिंदी प्लीज हिंदी. ओ सॉरी सॉरी. अँड वी ऑलवेज वी विल ऑलवेज लव यू अँड विल ऑलवेज सपोर्ट यू. थँक्यू सो मच डियर, थँक्यू, धन्यवाद. मिनी मिनी बात कर लो. हाय ओके, कॅन आय गो? जी जल्दी आओ, जल्दी फास्ट में वेट करो. ओके Hi, Shiv. Hi, dear. Hi. This is yeah. So D here. I'm from Canada, and I was your biggest supporter down here. Yes, thank you so much. मुझे इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है. नहीं, but चलेगा. मुझे समझ में आता. मैं अब्दू का भी समझ लेता था. हाँ भाई. नहीं, actually आप और अब्दू की जोड़ी इतनी पसंद आई. We loved your loyalty, Shiv. आप इतने अच्छे दोस्त हो. मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, एंड आई थैंक एवरीवन एंड आई थैंक ऑल योर सपोर्टर्स टू. सब ने यहाँ पे मेहनत की, बहुत मेहनत किया. नहीं, आई नो या एवरीवन, स्पेशली शिव के जो भी सपोर्टर्स थे, किसी और के बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं, सिर्फ आपके लिए सपोर्ट कर रहे थे, आपके बारे में बात कर रहे थे, आपकी लॉयल्टी आपकी फ्रेंडशिप को बढ़ावा दे रहे थे. जैसे अंदर आप अपने फ्रेंड्स को आगे ले जा रहे थे, यहाँ पे मैंने देखा कि कितने लोग एक्चुअली
आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी आगे ले जा रहे थे, एंड आपने आपने बहुत अच्छा खेला एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने जो भी कमाया है लाइक आपने दिल से किया, आपने दिल से यहाँ तक पहुँचे. So it was very very nice to meet you. Captain, and please Abdu ko zyada pyar dena. Anand bhai captain ko mic de dena. Ek bar mujhe captain aur Shivam ko dena. Captain Shivam ka mic gadi chali ko. हाँ भाई बोलो. बात नहीं होती. गाइस बिल्कुल भी बुरा मत मानना किसी का अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं, हमें स्पेस में भी इतने सारे लोग हैं तो ग्लिच होता है और वो शो नहीं करता है रिक्वेस्ट. तो ये मत सोचना कि हम जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, सॉरी मेरी तरफ से. मिनी फटाफट फटाफट बात कर लो नहीं तो फिर वो स्पीकर कम पड़ेगा. अभी आग पूरी तरह बैठ गई, अभी मैं वो खुले आंखों से चीजें देख सकता हूँ, आप लोगों का प्यार देख सकता हूँ. आपको पता है मैं भी आई थी बिग बॉस में, आपको लास्ट टाइम जो होता ना जो लास्ट हुआ था ना उसमें मैं आई थी आपको सपोर्ट करने. अच्छा वहाँ पे उसमें थे आप? हाँ थी मैं, सेकंड मैच में मेरा पैर थोड़ा सा ये हो गया था, देखो सेकंड मैच में आई थी मैं, आगे बैठी थी मैं. अरे वाह यार. वहाँ पे जो आप लोग आए थे ना तो वो हाँ. बहुत पसंद आई थी, जो थोड़ा पुश मिला था ना मुझे वहाँ पे, मुझे मजा आया था वो. हम सब आपको पुश कर ही आए थे, हमें पता था आपको कोई कुछ मिलने रहा था वहाँ से, तो हमने सबने सोच लिया था कि आपको आके बहुत पुश करना था हमें, बस यार दिल से वो हो गया. और ऑल द बेस्ट आपके आप जो भी फिर मतलब प्रोजेक्ट आ रही है फिर से प्रोजेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट. अभी बात कर लो एक मिनट, मैं बस लिफ्ट से नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा आवाज ब्रेक हो सकता है, वन सेकंड. हाँ अरे जो भी माइक पे है ना. हाँ अरे आनंद भाई जिसकी सी बात हो रही है वो सेम सेम क्वेश्चन मत पूछो, कैसे करके तो उसमें टाइम निकल जाएगा, बाकी लोग को मिलेगा नहीं. अरे आनंद भाई जिसकी बात हो रही उसको नीचे करो और थोड़ा देखना नीचे इसे उसका कैप्टन का शिवम का सबका रिक्वेस्ट आ रहा है. मेरे को कुछ रिप्लाई नहीं आया उससे पहले किसी ने काट लिया. हेलो मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, तो जो ऑलरेडी बात कर लिया है प्लीज नीचे चले जाओ, क्योंकि बार बार माइक रोटेट करने में दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज जिसका बात हो गया अपने अपने आप नीचे चले जाओ. दिया का बात हो गया ना शायद? हाँ हाँ जी आप, आपको मैं नीचे कर रहा हूँ. अभी एक है उनका अभी कर लेंगे, अभी संदीप अभी बात कर लो अभी फटाफट. राम राम भाई. राम 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 ब्रदर बोलो ना. एंड गणपति पप्पा मौर्या. गणपति पप्पा मौर्या ब्रदर. कुछ नहीं भाई, दिल से लव यू आपको, बस बढ़िया हूँ भैया, आप कैसे हो? मस्त भाई, आपकी कृपा है, बस ब्लेसिंग है आपकी. भाई क्या खेला आपने यार भाई, मजा आया. तो आपका बहुत बड़ा फैन हो गया भाई, बिग बॉस 13 के बाद ये बिग बॉस 16 देख रहा हूँ भाई, वो सिर्फ आपकी वजह से. थैंक यू सो मच ब्रदर. और आपको बहुत सारा प्यार मिल ही रहा है और मिलता रहेगा भाई ऐसे ही, और हम ऐसे दिल से सपोर्ट करते रहेंगे आपको. संदीप भाई दिल से शुक्रिया, बस यही चीज, बाकी चीजें तो मिलते रहेंगे. जी भाई दिल से लव यू भाई, आप लोग हो ना तो मेरे को और मजा आएगा आगे जाने में. जी लव यू लव यू. बिल्कुल भाई, गणपति पप्पा मौर्य भाई. जय थैंक यू भाई. हेलो हेलो, अभी से बात करवा दो ना यार, वो कब से रुकी है. हेलो. हां हां हाय गणपति बापा मौर्या. गणपति बापा मौर्या बोलिए ब्रदर. अरे शिव भाई आपने जो गेम खेला है ना वो एकदम जबरदस्त है, और आप चार बार कैप्टन बने हो और आपने दो बार तो कैप्टनसी छोड़ दी है. आप अगर कैप्टनसी नहीं छोड़ोगे छोड़ते तो आप छह बार कैप्टन बन जाते. आपने उससे ज्यादा कर दिए यार, पर अपने लोग ज्यादा ये थे ना अपने लोगों के लिए छोड़ना. वो तो सही है ना, आपने जो फ्रेंडशिप निभाई है ना वो आज तक बिग बॉस के इतने 16 सीजन हो गए किसी में भी मैंने ऐसा नहीं देखा. जी ब्रदर थैंक यू सो मच. थैंक यू शिव भाई, ऑल द बेस्ट.
अभी का रिक्वेस्ट दिख रहा है क्या नीचे, उसको एक बार पढ़ ले ले। एक मिनट देखता हूँ मैं एक बार। अभी अभी बात कर एक बार उनका हो जाने दो ना। एक मिनट एक मिनट एक सेकंड जयता जी एक सेकंड ना, ये अभी करके है ना वो काफी टाइम से रुके हैं। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अभी अभी तुरंत स्पीकर ऑन करके बात कर लेना, नहीं तो मौका मिलेगा नहीं फिर से। ठीक है अभी नेक्स्ट को मूव करते हैं क्योंकि। और शिव भाई अभी का रिक्वेस्ट नीचे दिख रहा है क्या, एक बार उसको ऊपर ले लेना। दिख रहा है पर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। जी 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 उसको बोलो कि एक बार। हार्ली आपको कुछ बोलना है? अरे मुझे बोलने दो। आनंद भाई मुझे बोलने दो। हाय शिव हाउ आर यू? गुड गुड ब्रदर। आनंद आनंद बात कर रहे हो ना? नहीं नहीं अभी बोल रहा हूँ भाई। अभी अभी बोलो डियर बोल। अरे हम बीबी मराठी से फॉलो कर रहे हैं शिव भाई तुमको, हम पुणे से। जी जी आप कुछ चेंज नहीं थे, बीबी मराठी में जैसे थे ना वैसे ही इधर थे। यस ब्रदर थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच ब्रदर थैंक यू। महाराष्ट्र का नाम रोशन किया भाई तूने, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच ब्रदर। पर एक इंसान है और इंसानियत के नाते जैसे अपन कर सकते ना वही किया ब्रदर मैंने। बस बस कभी चेंज मत होना, ऐसे ही रहना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे ब्रदर। थैंक यू सो मच ब्रदर यही चाहिए। थोड़ी देर आपकी बात सुन लिया होगा शिव भाई का, उन्होंने बोला था ना कि नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत हो सकता है, अभी उनका आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ी देर वेट कर लो। कुछ इशू है तब तक जितने का कुछ भी मैसेज भेजना हो आपकी तरफ से, आप जो ऊपर जो ट्वीट है उसके नीचे आप लिख सकते हो और मैं एक एक करके पढ़ लूंगा एक बार माइक रोटेशन हो जाए उसके बाद। हेलो अभी मैं बोलू? जी जी बोलो प्लीज। हाँ हाय शिव, मैं जयता दीदी तुम्हारी कोलकाता से। अरे जी दीदी बोलिए बोलिए। बहुत सारा गुड विशेस, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बड़े हो जाओ, बहुत नाम कमाओ, बहुत बहुत अच्छा हो तुम्हारा, यही मेरे लिए है। और मैं मेरी फैमिली और कोलकाता में बहुत सारे लोग तुम्हारे लिए बहुत प्यार देर भेज रहे हैं तुम्हें। सिर्फ एक बार मेरे हस्बैंड हाय बोलेगा तुम सुन लेना। जी जरूर जरूर भाई। थोड़ी देर के लिए वेट करो। जी जी दीदी। हेलो और जीजू कैसे हो भाई? अरे चार महीने पहले ही तो मेरा ब्रेकअप हो गया। आप वो तो आपको छोड़कर दिन रात खाली शिप 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 क्या होगा बोलिए। मेरा तो आप ब्रेकअप कर दिया बोलिए। अरे दे नहीं नहीं, नहीं मैं आपका साला हूँ और वो दीदी है तो ऐसा समझो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है बोलिए। आप कलकत्ते कब आ रहे हैं बोलिए? जरूर आएंगे, आप रसगुल्ला खिलाओगे तब मैं जरूर आऊंगा। अरे रसगुल्ला क्या 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 चाहिए बोलिए, जितना मिठाई है सब आपके लिए। ठीक है जरूर आऊंगा मैं। वैसे मेरे दोस्त भी रहते वहाँ पे, टीना और श्रीजीता भी रहती है। अरे टीना तो खिदरपुर पे रहता है। मेरा घर मेरा आवाज आ रहा है ना? मेरा घर से 3 किलोमीटर दूर पे। अच्छा अच्छा ठीक है, आया करो कलकत्ते में। ठीक है जरूर 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 जरूर, मैं पक्का बहुत सारा गुड विशेस फॉर यू। ओके जी जी थैंक यू सो मच। थैंक यू टेक केयर। थैंक यू सो मच शिव। थैंक यू टेक केयर। गौरी आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। नहीं नहीं शिव भाई का आवाज नहीं आ रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। नहीं शिव का भी आवाज आ रहा है। आ रहा है शिव, आ रहा है आवाज। ठीक है मैं जाता हूँ नीचे माइक दो। अभी बात कर लो फटाफट, फिर हार्ली है, दिव्यांश है, गौरी के लिए बोल लो मिशु जबर। शिव ने माइक म्यूट किया है, वो आ रहा है 2 मिनट। हाँ हेलो। हाँ आ गया वो। हेलो अभी कनेक्टिंग में है हार्ली, बात कर लो हार्ली। हेलो हेलो शिव जी, आवाज ये तो है, आवाज आ रही है? ये तो है। हाँ हेलो डियर बोलो। वैष्णवी बोलती है कोल्हापुर मधुन, कैसा है वैष्णवी? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो मुझे बताओ।
मैं बहुत अच्छी हूँ शिव. बताना था, मैसेज देना था कोल्हापुर से. कोल्हापुर में जो हमने राधा ने एक्टिविटी की थी, बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला 2 दिन. और उसमें से एक किस्सा है जो छोटा है, बताती हूँ. एक छोटा सा बच्चा था, आई थिंक तीसरी में था. तो वो उसको ना पाम्पलेट दिखे, ठीक है, तुम्हारे पाम्पलेट दिखे, तो वो बोल रहे ये शिव ठाकरे, शिव दादा, शिव दादा. एंड वी आर लाइक कि छोटे बच्चे भी जानते शिव तुम्हें. बहुत प्यार मिला है. एक बार एक वीडियो देख लेना, कोल्हापुर से कितना प्यार मिला है. मैं जरूर पक्का पक्का पक्का. और थैंक यू सो मच, जितना सपोर्ट किया ना उसके लिए बहुत सारा प्यार. और प्लीज जितने लोग थे ना कोल्हापुर के, उनको मेरा मैसेज देना कि बहुत दिल से शुक्रिया बोला है मैंने. और जब भी कोल्हापुर आऊंगा, जहाँ पे भी मैं जाऊंगा ना, जरूर मैं ट्राई करूंगा कि सबसे मिल पाऊं मैं. यार शिव बहुत दिल के अच्छे हो तुम, पता नहीं कैसे कनेक्ट कर पाते हम. पर मेरी पूरी फैमिली बहुत प्यार करती है. मेरी मम्मी है, एक बार बात कर लोगे प्लीज? जी जी, दे दो पटक. हेलो शिव, नमस्कार. जी नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? प्रणाम आपको. हाँ मी चांगली आहे, तू कसा काय? मी मस्त, मजेत आहे. काकू मजेत. कोल्हापूरला आल्यानंतर ये ना. 100% मी भेटेल तुम्हाला, नक्की नक्की मिलता हूँ. शिव प्लीज प्लीज, कोल्हापुर जब आओगे प्लीज प्लीज हमें बताना, हम आएंगे. स्टोरी पे डाल देना, ठीक है? कोल्हापुर की महालक्ष्मी को बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद. थैंक यू. हाँ मैं पक्का, मुझे जी जी. दिव्यांश बात कर लो, ये आनंद का क्या क्लीच हुआ है क्या? दिव्यांश बात कर लो. मुझे आवाज थोड़ा आनंद, अगर को होस्ट दे सकते हो तो दे दो ना, तो मैं माइक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगी. माइक को माइक पर चेंज करूंगा. मुझे नहीं, मुझे आवाज थोड़ा धीमा आ रहा है, बट मेरा पूरा सुनाई दे रहा है. नए लोग को माइक दे दो ना. हाँ नए लोग को एक्सेप्ट करना है, इसीलिए तो को होस्ट दे दो. दिव्यांश बात कर लो ना शिव से. कोस्ट किसी और को दे दो, यहाँ पे जो भी है किसी को दे दो. हाँ किसी और को दे दो, कोहोस्ट एक दे दो, एक खाली रहेगा ना. दिव्यांश बोलो. नमस्ते शिव दादा, लव फ्रॉम राजस्थान. मैं दिव्यांशु सक्सेना हूँ सर. मैं आपका फैन कहूँ या कहूँ क्या कहूँ, मैं कट्टर फैन बन चुका आपका, क्योंकि मैंने आपका एक जस्ट रिसेंट इंटरव्यू देखा था सिद्धार्थ करण के संग, जब आपने एक लाइन बोली थी और वो मेरे शायद तक जिंदगी में वो साथ रहेगी. जब आपने कहा था कि मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं मतलब से नहीं इंसान से प्यार करता हूँ, तो वो लाइन अब मेरे जिंदगी भर रहेगी. और बस आपको राजस्थान में राजस्थान कब आ रहे हो आप ये बताइएगा. ब्रदर ब्रदर, और मैं बताऊँ दिल से आपको थैंक यू. और राजस्थान में आपको जो बिग बॉस आने के पहले ही ना, एक मिनट अभी मत काटना, रुको. जैसलमेर में गया था और वहाँ पे एक पर्सन मिले मुझे, जस्ट दो दिन मिले. 2 दिन में उन्होंने मेरे लिए अभी तक इतनी दुआएं की है मंदिरों में, तो मुझे पता है कि राजस्थान के लोग कितने प्यारे होते हैं यार. तो दिल से शुक्रिया आपको. और मैं बता रहा हूँ जो भी सिटी में जाऊंगा तो मैं स्टोरी डालूंगा, हम ट्राई करेंगे, जरूर मिलेंगे यार. अभी बातें कर रहे हैं तो अभी जो आप जितना सपोर्ट किया ना दिल से मुझे, तो मुझे तो ऐसा लगता है तुम लोगों को मिलके एक झप्पी कर लो यार, वो मुझे सुकून देगा थोड़ा. हाँ जी दादा, बस एक और बात करनी थी आपको कि आप अपना YouTube चैनल वापस कब स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इस समय बहुत ज्यादा हाइप पे है. मतलब मैं कंपैरिजन करना चाहता बट एमसी स्टैंड, अब्दुल रोजिक, इन सबके भी यूट्यूब चैनल है, तो सोशल मीडिया की जो यूथ है वो ज्यादा आपसे कनेक्टेड और हो पाएगी, आपकी बातें जान पाएगी, आपके व्लॉग्स देख पाएगी, ये वगैरह. बस ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी. ठीक है, कल की स्टोरी कुछ तो सरप्राइज लेके आएगी शायद, तो कल तक वेट करते थोड़ा कुछ शायद. okay, राम राम जी. राम राम ब्रदर, राम राम. शिव शिव गौरी शुदा आएगा ना, सुलसन बोलतो है. तिकडे तुला रिक्वेस्ट दिसेल बघ को होस्ट मध्ये, तर माइक आम्ही एक्सेप्ट करू शकते. एक आहे ना आपल्याकडे, तुम आनंद एक मिनिट वेट कर कोणाला तरी को होस्ट रिकनेक्ट कराना पड़ेगा, ग्लिच हो गया. नहीं वो है, ग्लिच नहीं हुआ है, उनको शायद मिलेगा. यार बहुत उनको माइक देना है, सबकी रिक्वेस्ट आ रही है. एक्चुअली ग्लिच हुआ ना, को होस्ट एक ही था ना को होस्ट, दूसरा रहता तो शायद वो दे पाता था, बट वो दोनों का भी हो गया. हाँ वो कविता सुनानी थी मैंने आपको, सुनाई थी ना शिव के लिए. शुभम भाई हाँ जी, बट अभी वो हाँ जी शिव भाई आई एम हियर. आप लीड करो थोड़ा, ठीक है? हाँ बिल्कुल शिव जी. चलो को होस्ट ऑप्शन असेल बघ ना तिकडे को होस्ट थोड़ा और 10-15 मिनट में हूँ अभी,
जितना थोड़ा थोड़ा सभी के साथ बात करते हैं। बिल्कुल शिव भाई, मैं ट्राई करता हूँ जितने भी रिक्वेस्ट है, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जिनका हो गया प्लीज गाइज लीव द स्पॉट ताकि दूसरे लोग आ पाए, एंड यस आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, मेरे को पता नहीं किस किस का हो गया है, सो कैन यू गाइड मी गौरी किस किस का हो गया? हार्ली का हो गया है, ओके, दिव्यांश का हो गया है, ओके, अभी आपको नए एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, फाइन, जिनका दिख रहा है, फाइन 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 फाइन, आई एम डूइंग दैट, मैं वही कर लेता हूँ। मुझे जीरो रिक्वेस्ट है गाइस, इसमें जीरो रिक्वेस्ट शो कर रहा है, तो मैं ना वन बाय वन लोगों को रिक्वेस्ट भेजते जाता हूँ जो लोग मुझे शो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जीरो रिक्वेस्ट शो कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ, मुझे डीएम्स आ रहे हैं कि मेरा मुझे माइक दो माइक दो, अभी मुझे तो दिखेगा नहीं ना, मैं तो स्पीकर पे हूँ। हाँ, मुझे जीरो रिक्वेस्ट दिख रहा है, मैं फिर भी इसको और ट्राई करता हूँ इसको अपडेट करने की, और मैं कोशिश करता हूँ लोगों को माइक दूं। हेलो सेनपाई, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, आप बात कर लो सेनपाई। हेलो सी भैया, सेनपाई यार, सेनपाई नमस्ते यार, राम राम, कैसे हो भैया? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपसे कम अच्छा हूँ लेकिन ठीक ठाक ही अच्छा हूँ। लेकिन सबको यहाँ पर आपके बीबी 16 के जर्नी के आपके फैन हुए होंगे, लेकिन आपके ग्रोथ की जो मैं फैन हुआ हूँ ना, पहले आप रोडीज पे थे, रोडीज में आपने जो दिखाया अपना जो इनोसेंट साइड, ठीक है, वो इनोसेंस आपका उसमें था, बीबी मराठी में आपका वो जो मैचो मैन था वो दिखा था, ठीक है, लेकिन ये जो बीबी 16 में ना आपका जो दोनों साइड जो मिक्सचर होके आया है, तो वो जो हिट किया है ना, तो मैं इंडिविजुअली, मैं फैंडम में नहीं था लेकिन मैं इंडिविजुअली आपको मैं वो सपोर्ट में करता रहता था, तो वो देख के ना आप वो जो हिट होता है वो डैड हिट हुआ जी, था। जी, तो थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस, जितने भी यहाँ पर है, जो भी यहाँ पर नहीं है, इंस्टा पे है, जहाँ पर भी है, तो उनके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबके तरफ से। और एक छोटा सा एक क्वेश्चन था कि जो फिनाले की जो फिनाले की जो रात थी, उसमें आई का सबसे पहला रिएक्शन आपके लिए क्या था जब वो सब हो चुका था? भाई के सलमान भाई का, नहीं नहीं आई का, आई आई का थोड़ा लिटिल बिट अपसेट थी, बट ऐसा होता ना कि जो अपना सपना होता है वो अपनी माँ का होता है, तो बाद में था कि चल ठीक है, कुछ अच्छा ही लिखा होगा, और घर में ना वो चलता है कि चल हमने पूरी मेहनत की ना, कोई कसर नहीं छोड़ी ना, उसके बाद अगर चीज कोई जाती है तो वो किसी और के नसीब में थी, अपने नहीं, और अपने नसीब में और कुछ लिखा होगा तो उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। और मैं सच्ची बोलूं कि मैं 1% के लिए हुआ था, बट बाजू में मेरा भाई था और उसमें खुश होके मैं था कि चलो ना कौन सा डोर ओपन है अभी अपने लिए ब्रो, वो डोर पे फोकस करते हैं। वो सबने देखा था भाई, कि आपने सबको सबके सामने उसको उठाया था एमसी स्टैंड को, एंड वो सब सबने दिखा था, तो वो आपकी जो अच्छाई है वो दिखाती है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपको, फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपको। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर, टेक केयर ब्रदर, टेक केयर ब्रदर, थैंक यू। ओके एंड गाइस सॉरी, आई विल रोटेट इट लिटिल फास्ट, मे बी शिव भाई बिजी हो जाए, सो यस रिदम प्लीज गो अहेड एंड सेनपाई भाई, मैं रिमूव कर रहा हूं, जो लोग हैं हो जाए रिमूव, तो जाना प्लीज, ताकि स्पेस बनता है। यस रिदम प्लीज गो अहेड, शिव भाई, जी जी ब्रदर, रिदम द साइड, शिव भाई रिदम बोलो ना ब्रदर, मेरी जान आपने बहुत बढ़िया खेला, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, एंड शिव सेना, शिव के शॉट सारे बहुत प्यार दे रहे हैं, सारे बहुत प्यार दे रहे हैं आपको, और आप ये बताओ कि आप जी थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, यूएस कनाडा कब चक्कर लगा रहे हो? जी जी लव यू, लव यू, और आपके सपोर्ट के लिए यार शुक्रिया। शिव भाई यूएस कब आ रहे हो? शायद थोड़ा वॉइस ग्लिच हो रहा है उनका, शायद नेटवर्क ग्लिच हो रहा है, आई थिंक इको हो रहा है शुभम, आई थिंक इको हो रहा है, एक सेकंड में म्यूट कर देता हूं। शिव भाई जी, हेलो शुभम, शुभम भाई थोड़ा माइक देख के दो ना। हाँ हाँ मैंने कर लिया, वो ठीक कर लिया, नहीं थोड़ा देख लो अंदर। हाँ हाँ मैं वही चेंज कर रहा हूँ भाई, वही देख रहा हूँ। हाँ, तो रिदम भाई आप प्लीज बात कंप्लीट कर लो, रिदम भाई, शिव भाई, रिदम भाई बात कर रहे हैं कनाडा से, शिव भाई, रिदम भाई फ्रॉम कनाडा है। शिव भाई कब आ रहे हो पहले आप एक बार बताओ, कब आ रहे हो यूएस कनाडा, कब चक्कर लगा रहे हो? यार अभी तो मैं अभी तक इंडिया से बाहर गया नहीं हूँ, बट अभी कुछ जो कॉल आ रहे हैं मुझे मजे आ रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि दुबई में शूट करने वाले, कभी बोल रहे हैं लंदन में, तो मैं तो जब भी आऊंगा ना मजे के साथ वापस स्टोरी डाल के हम गेट टुगेदर जरूर करेंगे ब्रदर।
प्लीज प्लीज पक्का, बहुत सारे आपके फैंस हैं इधर, बहुत सारे यूएस कनाडा में, और जी, बहुत प्यार भेज रहे हैं आपको, तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम हियर, और आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, शुभम भाई डीएम देखना, हमेशा आपके साथ हैं, जी जी ब्रदर, बैक ऑलवेज, जी थैंक यू सो मच, लव यू ब्रदर, लव यू, यस यस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, लव यू, शुभम भाई किंग का डीएम देखना, थैंक यू सो मच, थैंक यू, यस भाई आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू चेक ऑल द डीम्स, बट आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, हिमांशु भाई आप बात कर लीजिए, किंग ओवर थिंकर जो है अपना माइक ऑन करके बात कर लीजिए प्लीज, द ओवर थिंकर, हेलो हेलो डियर बोलो, जी जी शिव प्रज्ञा, प्लीज आप प्रज्ञा बोल दो एक बारी, क्या बोला सॉरी, मेरा नाम प्रज्ञा, मैं जबलपुर से बोल रही हूँ, एक बार ही प्रज्ञा बोल दो, प्रज्ञा हाय हेलो, हेलो प्रज्ञा की हाल है, कैसे हो आप, और लव यू, और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आपको, ओह थैंक यू सो मच, मतलब मैं सच्ची मेरे को पता नहीं था कि मेरा माइक एक्सेप्ट होगा, मैं ऐसे ही बैठी थी कि होपफुली फिंगर क्रॉस करके कि एक बार ही बस हो जाए, थैंक यू सो मच, और मेरी फैमिली और मेरा मेरे आस पास के जितने भी लोग हैं आप जी जी, और सबको मेरी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार देना और शुक्रिया बोलना प्लीज, ओके ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू गाइस, सॉरी मेरा थोड़ा जी, थैंक यू डियर, थैंक यू, अरे थैंक यू भाई, तो जो हिमांशु था, हिमांशु की बात नहीं हो पाई थी ना, अपने बीच में कट गया, हो पाई थी ना, हाँ, नहीं शिव भाई उन्होंने खुद ही बोल दिया था आई लव यू एंड आई सपोर्टेड यू, आई गेस आपको शायद वॉइस नहीं आया, और उन्होंने खुद ही लीव कर दिया, मैंने नहीं बोला, उनकी बात हुई थी ना प्लीज, नहीं तो उनको बुरा नहीं लगना, हाँ नहीं 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 शिव भाई आई एम ट्राइंग कि मैं सबको चांस दे पाऊँ जितनी देर आप हो यहाँ पर, तो आगे बात करें तो अभी एक ट्वीट के नीचे जो रिप्लाईज है मैं एक बार वो पढ़ लेता हूँ, कुछ कुछ रिप्लाईज, कुछ रिप्लाईज, ओके ओके आनंद भाई सुनो ना, जो अभी एग्जिस्टिंग जो को एग्जिस्टिंग अभी जो लोग है ना जो बचे हुए हैं इनका फिनिश करके फिर अपन करते हैं, यस ओके ओके, अमिता, अमिता भोयर जी प्लीज गो एड, कश्यप और हंटर जी मैं आ रहा हूँ, कैप्टन भाई आ रहा हूँ, अमिता भोयर जी प्लीज गो एड, नंबर वाइज आ रहा हूँ गाइस, एंड जिनका उधर है प्लीज लीव द स्पेस, रिदम प्लीज लीव द स्पेस, हाय शिव, हेलो अमिता प्लीज बोलो, हाय एक्चुअली मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि मैंने दिल से अगर किसी को सपोर्ट किया ना वो सिर्फ आप ही हो जी, और ये मैंने फर्स्ट टाइम इतना मैंने सपोर्ट किया है कि मुझे कुछ भी करके करना ही है, अमिता लव यू और बहुत दिल से शुक्रिया आपको, दिल से शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, मुझे भी बस आपसे मिलना है, बस आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए मिलने के लिए, जरूर जरूर मिलेंगे हम, जरूर मिलेंगे, मैं ट्राई करूंगा मिलके, और आप चॉकलेट भी लेके आना और मजे करेंगे अपन, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, और सपोर्ट के लिए शुक्रिया, थैंक यू अमिता, थैंक यू, ओके बाय बाय, हेलो आगे चल लेते, यस कश्यप भाई प्लीज गो एड, मिस्टर हंट मैं आ रहा हूँ आपके पास भी, कश्यप भाई प्लीज गो एड, हेलो कश्यप भाई बोलो, नमस्ते, राम राम, राम राम, मैं भी मराठी आया, एक सेकंड कश्यप, शिव भाई एक सेकंड, कश्यप शिव भाई जो आपको मैंने वो बताया था ना एक आपके लिए जर्नी वीडियो बनाई है वो कश्यप और बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाई थी, तो कश्यप ने वो पोस्ट की थी, कश्यप इज द वन जिसकी आपको लिंक भेजी थी मैंने, नहीं नहीं मैंने मेरा उसमें सिर्फ पोस्टिंग का पार्ट था, जिन लोगों ने बनाया ना उनका क्रेडिट वो उसमें है, बोलो ना आपकी आवाज आ रही मुझे, हाँ मैं ऐसा बोलना था कि आपको कि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, मैंने बहुत सारी बिग बॉस की सीजन देखी है, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया ट्विटर पे इंस्टा पे, बट आपको बहुत बहुत अलग तरीके से सपोर्ट किया, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा पसंद किया आपकी गेम, बहुत लोगों ने बता दिया होगा मेरे से पहले, बट योर गेम वॉज वेरी फैबुलस, बहुत मजा आया था, लोगों ने लाखों लोगों ने भी बताया तो वो सुनने का मजा अलग होता है ब्रदर, तो थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगता है, आप टेंशन मत लो मैं सुनूंगा, मतलब यहाँ पे ट्विटर पे ना ऐसा नरेटिव का गेम होता है एक्चुअली में, है ना, हम लोग यहाँ पे लोग ना नरेटिव बनाते हैं आपके अगेंस्ट या आपके सपोर्ट में, तो वी ऑल यहाँ पे ना हम लोग यहाँ पे नरेटिव वो ब्रेक करते हैं या फिर हम आपके लिए एक पॉजिटिव सपोर्ट बनाते हैं ट्विटर पे, तो बहुत मजा आया ये जर्नी में आपके साथ, एंड आई जस्ट होप वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक एंड आपको ऑल बहुत सारा लक, थैंक यू सो मच कश्यप भाई, कश्यप भाई के एक क्वेश्चन था, मतलब जब मुझे कुछ ऐसे जस्ट आया कि कभी कभी ट्विटर पे ना सब लोग सपोर्ट करते करते कभी कभी भिड़ भी जाते हैं,
तो वो एक अच्छी बात होती कि आप भी बिग बॉस ही खेलते हो सब लोग और एंजॉय करते हो. बट मैं एक दिल से बोलूंगा, जो भी मुझे प्यार करते हैं वो प्लीज, अभी बिग बॉस खत्म हो गया, आप भी बहुत प्यार करते हो, आप भी इन्वॉल्व थे मेरे साथ और सभी के साथ थे, तो मैं ट्राई करूंगा अगर जो भी मुझे प्यार करते प्लीज किसी के बारे में कोई गलत ना बोलो, वो लड़की हो लड़का हो, कोई भी मेरा दोस्त हो, क्योंकि गेम खत्म हो गया है और कोई गंदा इंसान नहीं रहता है. मैं दिल से बताता हूँ को गेम के लिए कोई चीजें होती है, कभी कभी मैंने भी गलती की होंगी, बाकी कंटेस्टेंट ने भी की होंगी. तो यहाँ आप मुझसे प्यार करते हो आई नो, बट ट्राई करते हैं कि किसी लड़की को और किसी मेरे दोस्त को या लड़कों को भी कोई गलत ना बोलो. जस्ट ट्राई करो कि जस्ट मुझे प्यार करते हो, सपोर्ट करो, आपका सपोर्ट मुझे बहुत काम आता है, मोटिवेट करता है वो हमें, मुझे मोटिवेट करने के लिए और किसी को नीचा नहीं दिखाना हमें, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और उससे भी अच्छा नहीं लगेगा, अपने को दुआएं कमाना है. और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि आप खुद इंडिविजुअल हो, आपको जो लगता है